और ये आप जैसा कि हमने आपको कहा था कि ये अब आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से उतरते हुए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें इस लिहाज से क्योंकि भारत और चीन के बीच दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता आज और कल चेन्नई में, और चेन्नई में खासकर मल्लपुरम शहर में ये वार्ता होने जा रही है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो चेन्नई के, तमिलनाडु के जो बड़े अहम नेता हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनकी अगवानी करने के लिए, उनके स्वागत में। और उनको पारंपरिक तौर पर जो तमिलनाडु का जो शॉल है वो उन्हें ओढ़ाया गया और उसके बाद उनका स्वागत किया गया फूलों के ज़रिए, कुछ किताबों के ज़रिए प्रधानमंत्री का वहाँ स्वागत। ये कुछ ख़ास तस्वीरें, साथ में वहाँ पे हम राज्यपाल को भी देख सकते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को हम देख पा रहे हैं, तमाम जो और भी वहाँ जो लीडर्स हैं, अहम बड़े लीडर्स, वो उनकी अगवानी के लिए वहाँ पे मौजूद एयरपोर्ट पे। और अब से कुछ ही लम्हों के बाद वो एयरपोर्ट से सीधे मल्लपुरम जाएंगे और जहाँ पे कि महामल्लपुरम जाएंगे और वहाँ पे ये सारी अहम बैठकें होनी है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर कि आज बातचीत होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, चाहे वो ट्रेड का मसला हो या फिर बॉर्डर का मसला हो। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार वहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अभिषेक वहाँ से लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का वहाँ पे औपचारिक तौर पर स्वागत किया जा रहा है और इसके बाद महामल्लपुरम के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे और आज और कल 2 दिनों की अहम बैठक होने वाली है। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू है, जो मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं वो एक बहुत बड़ा इशू है, इनको लेकर भारत का नज़रिया तो साफ है लेकिन चीन इन तमाम रिफॉर्म्स को लेकर उसका क्या नज़रिया रहा है अब तक? देखिए, निश्चित रूप से रिफॉर्म्स की बात होती है, कई अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो वो भी एक ऐसा मंच है जहां पर रिफॉर्म्स की बात होती रही है। 70 सालों से जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें कई बड़े रिफॉर्म्स है, जो सदस्यता है उसको लेकर, मेंबरशिप को लेकर, जो अलग अलग काउंसिल मेंबर्स हैं उनको लेकर लगातार रिफॉर्म्स की बात होती रही है और लगभग सभी देश इस बात को समझते हैं। लेकिन रिफॉर्म्स की प्रक्रिया कौन हो, कौन से देश उसमें इंक्लूड किया जाए और किन देशों को अभी उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया चाहिए रिफॉर्म्स के दरमियान, ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना रहता है कई बड़े देशों में। अगर हम WTO की बात करें तो वहां पर जब अभी हम रिसेंट जो अमेरिकन प्रशासन है उसकी बात करें तो लगातार अनेक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक और स्ट्रैटेजिक मंचों पर उन्होंने बैकआउट किया है और उन्होंने बायलैटरल रिलेशंस को बहुत ज्यादा अहमियत दी है, खासतौर पे ये बताते हुए कि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और अमेरिकन इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो दुनिया के जो तमाम, जैसे खासतौर पर WTO की बात करें तो ये मंच इसीलिए बनाए गए थे कि हर एक देश की हित की बात करते हुए भी कोई एक संरक्षणवाद का नजरिया दुनिया में न पनपने पाए, क्योंकि एक संरक्षणवाद की पॉलिसी अगर हर एक देश अपनाते चले जाएंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म में दुनिया का जो जो व्यापार मैकेनिक्स है उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाएगा और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम देखें तो जो ट्रेड डिस्ट्रप्शन की स्थिति आ सकती है। तो इसीलिए एक ऐसा मंच बनाया गया कि जहां पर लगातार जो कीमतें हैं चीजों की, सब्सिडीज हैं और एक दूसरे के जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, सर्विसेज को प्रोटेक्ट किया जाए। भारत लगातार जब भी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करता है तो उसमें वो हमेशा कहता है कि भारत जिन चीजों में अहम रोल निभा रहा है, चाहे गुड्स हो और सर्विसेज हो, दोनों को ख्याल में रखा जाए। तो क्योंकि भारत सर्विसेज इंडस्ट्री में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है तो बहुत सारे देशों को ये शंका होती है कि भारत उनकी सर्विसेज इंडस्ट्री को काफी ज्यादा हाईजैक कर सकता है। तो ये जो तमाम मसले हैं उनको सुलझाया कैसे जाए, उनमें एक दूसरे को समझा कैसे जाए और किस प्रकार से ऐसे नेगोशिएशन किए जाए जहां पर थोड़ा सा आप कहें तो एक एक रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए और अपने हितों की भी रक्षा की जाए, तो इस प्रकार के निगोशिएशन पर बहुत ज्यादा जोर है। आज जब दोनों नेता लगातार आज के बाद से मुलाकात करेंगे, आज कहें तो आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंसी शिरकत करेंगे, कल मुख्य रूप से दोनों देशों के नेताओं के बाद जब तमाम स्ट्रैटेजिक मसले हैं, तमाम व्यापारिक मसले हैं और भी ऐसे जो डिप्लोमेटिक इश्यूज है जो दोनों देशों के बीच उभरते रहते हैं
उन पर बातचीत होगी और ये दोनों नेता तय कर पाएंगे